नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 5 हिंद देश के निवासी कविता के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इस कविता को समझने से पहले हमें इस कविता का शीर्षक यानी कि टाइटल, ये जो शुद्ध गुजराती भाषा में आपणे कहीए तो कवितानुं जे मथाड़ू छे એને પણ આપણે થોડા સમજી લઈએ। હિન્દ યાને કે ભારત દેશ, હમારા દેશ, ઓર હિન્દ દેશ કે નિવાસી, યહાં પર શબ્દ આયા હૈ નિવાસી, હિન્દ દેશ કે નિવાસી યાને કે ભારત કે નિવાસી, ભાર નિવાસી યાને કે ભારત મે રહેને વાલે લોક, ભારત મે જે રહેઠાણ કરે છે તેવા લોકો, એમના માટે આ કાવ્યની रचना करेली छे। एमना विषे आ काव्यनी अंदर कईक कहेवायुं छे, शुं कहेवायुं छे तो चालो विद्यार्थी मित्रों आपणे एना विषे थोड़ू अभ्यास करिए। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, यानी कि भारत की जो विशेषता है वो ही विविधता में एकता, यानी कि भारत एक विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो सभी राज्यों में अलग अलग जो विस्तार हैं वो अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक की दृष्टि से भी वो अलग अलग अपना महत्व रखता है और उस महत्व के हिसाब से उनको विशेषता दी गई है। और उस अलग अलग विविधता में हमारा देश, अलग अलग विविधता है फिर भी हमारा देश एक है, वही उसकी विशेषता है, वही भारत की विशेषता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी हैं, यानी कि इसके साथ विविधता में एकता है, उसके साथ भी वही उसकी विशेषता है। इसके साथ हमारा देश का विकास और शक्ति, उसका भी यहाँ पर परिचय दिया गया है, परिचायक हैं, यानी कि इसके साथ हमारे देश का विकास और शक्ति का भी परिचय यहाँ पर दिया गया है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है, यानी कि मनुष्य की दृष्टि से मनुष्य और प्रकृति दोनों में विविधता है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के कई इंसान यानी कि कई प्रकार के लोग बसे हैं, उस लोग में अनेक प्रकार, जाति की दृष्टि से लोगों में विविधता है, धर्म की दृष्टि से लोगों में विविधता है, पहरवेश की दृष्टि में लोगों में विविधता है, खान पान यानी कि ये जो खाना पीना है उसके उसमें भी विविधता है, फिर उसकी बोलचाल यानी कि उसकी भाषा में भी विविधता है, और प्रकृति, प्रकृति को देखा जाए तो अलग अलग विस्तार में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग विस्तार में भूमि, उसकी भूमि भी अलग अलग होती है, कई विस्तार में पहाड़ होते हैं, कई विस्तार में नदियां हैं, तो कई विस्तार में मैदानी प्रदेश हैं। ये जो हमारे देश की विविधता है उस विविधता में भी अभिन्न एक सूत्रता है, यानी कि उस ऐसी विविधता होने पर भी हमारा देश एक सूत्र में जुड़ता है, एक सूत्र में बंध जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है, यानी कि यहाँ पर इस कविता में अलग अलग दृष्टांत यानी कि अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं और इस उदाहरणों के माध्यम से भारत की भव्यता यानी कि भारत ने अपना देश ने जो विशाल छे, अपना देश जो विशाल छे, अपना देश ने जो विशालता छे एनु अहीं गान करवामां आव्युं छे, एनो महत्व दर्शाववामां आव्युं छे आ काव्यनी अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों इस काव्य को समझने से पहले, काव्य पंक्ति को समझने से पहले हम उसका पठन कर लेते हैं, यानी कि इस काव्य का पठन करते हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, कोयल की कुकन्यारी पपीहे की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी
कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। धर्म हैं अनेक जिनका सार वही हैं, पंथ हैं निराले सबकी मंजिल तो एक हैं। तो विद्यार्थी मित्रों ये हुआ इस काव्य का पठन। अब हम इस काव्य को एक एक पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। इस काव्य में क्या कहा गया है, क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें क्या सिखाना चाहता है ये काव्य, तो उसका हम भावार्थ उसकी समझौती अब हम प्राप्त करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो विद्यार्थी मित्रों इस पंक्ति में ये जो हिंद यानी कि भारत, भारत देश में बस भारत देश, और निवासी, निवासी शब्द यानी कि रहठान करने वाला, यहाँ पर तीसरा शब्द आया है जन यानी कि लोग, ये भारत में बसे जो लोग हैं, लोग के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया है। जन का मतलब होता है लोग यानी कि इंसान। रंग यानी कि वर्ण की दृष्टि से, ये जो हमारा रंग रूप है ना, हमें कोई गोला गोरा है, कोई काला है, कोई ये जो ये हुआ तो ये कोई श्याम है, ये है इंसान का, इस देश में बसने वाले लोगों का रंग। और रूप, रंग रूप यानी कि जो कोई रंग रूप की दृष्टि से गोरा होता है, काला होता है, उसी तरह ये उसकी हाइट की दृष्टि से, और लंबा दुबला पतला, ये रंग रूप की दृष्टि से हुआ। और वेश, ये जो हमारे देश में वेश यानी कि पहरवेश, हमारा जो हमें जो कपड़ा पहनते हैं ना उसे वेश कहते हैं। और भाषा, ये जो कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, जिस प्रकार हमारे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो ये हुआ भाषा की दृष्टि से भी हमारा देश में कई प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। फिर भी ये जो हमारे देश में विविधता है, ये हमारे देश की रंग रूप वेश भाषा भाषा में ये विविधता हुई, लेकिन फिर भी हमारा देश में जो बसने वाले जो लोग हैं, जो हिंद देश में यानी कि भारत देश में बसने वाले लोग, सभी भारतीय ही कहा जाता है, सभी एक देश के लोग हैं, एक ही लोग हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। दूसरी पंक्ति, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। यानी कि बेला यानी कि मोगरा, बेला का अर्थ क्या होता है मोगरा, और गुलाब ये जो गुलाब का फूल, जूही चंपा चमेली, ये सभी हमारे देश में जो फूल पौधे हैं उसके नाम हैं। और उस फूल पौधों को हम अलग अलग हैं, बेला का फूल अलग होता है, गुलाब का फूल अलग होता है, जूही चंपा ये सब चमेली, ये सभी का फूल अलग अलग है, अलग अलग रंग की दृष्टि से अलग हैं, और उसकी सुगंध होती है ना, वो भी सभी फूल में से अलग अलग सुगंध निकलती है। और रूप की दृष्टि से, उसको बाह्य आकार की दृष्टि से देखा जाए तो गुलाब का फूल अलग होता है, बेला का फूल अलग प्रकार का होता है, जिस प्रकार कमल का फूल भी अलग प्रकार का होता है। तो ये सभी सारे फूल अलग अलग हैं आकार की दृष्टि से, सुगंध की दृष्टि से, और रंग की दृष्टि से भी सभी फूल अलग अलग प्रकार के रंग धराते हैं। उसी प्रकार इस फूलों में जब हम बेला की फूलों को एक धागा लेकर सुई से पिरो कर उसकी माला बनाते हैं, तो भी उस फूलों की माला को हम माला ही कहते हैं। गुलाब के फूलों की अगर हम माला बनाते हैं तो भी गुलाब के फूलों की माला को हम माला कहते हैं। लेकिन जब हम बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली ये सारे फूलों को इकट्ठा करके सभी को हम एक धागे में पिरो देते हैं और एक धागे में पिरोकर उसकी माला बनाते हैं, तो भी उसको माला ही कहते हैं। उसी प्रकार हमारे देश में बसने वाले लोग भी एक ही हैं, ऐसा
इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार माला एक सूत्र में बंध जाते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के लोग भी एक सूत्र में बंध जाते हैं। सभी भारत के संतान ही कहे जाते हैं, हिंद देश के निवासी ही कहे जाते हैं। कोयल की कुकन्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं। तो यहाँ पर ये जो कोयल हैं, कोयल की कुकन्यारी यानी कि कोयल जो आवाज़ निकालती हैं उसे हम कुक कहते हैं। कुक कोयल की, कोयल जो आवाज़ निकालती हैं उसे कुक कहते हैं। उसी प्रकार पपीहे की टेर प्यारी यानी कि पपीहा, पपीहे एक पक्षी का नाम है और उसको तोता भी कहा जाता है। तो ये जो पक्षी हैं उसकी टेर प्यारी यानी कि ये जो बोलता है, ये जो आवाज़ निकालता है उसे टेर कहते हैं, और ये पपीहे की आवाज़ को टेर कहते हैं। उसी प्रकार न्यारी, ये जो न्यारी शब्द है यानी कि अलग, अनूठा, न्यारा अनूठा अलग, उसी अर्थ में यह नारी शब्द का मतलब होता है। और तराना, तराना शब्द का अर्थ होता है गीत। और बुलबुल एक पक्षी का नाम है। राग मगर एक, यहाँ पर राग शब्द आया है। राग शब्द का मतलब क्या होता है, तो कि ये जो हम गाते हैं ना उसे गीत, उस सुर के अर्थ में, और उसको गीत के अर्थ में उसका मतलब होता है राग। तो ये जो पपीहा है, पपीहे की कुकन्यारी यानी कि पपीहे की कुक यानी पपीहा जो, ये जो कोयल जो गाता है, कोयल की कुकन्यारी है, कोयल जो गीत गाती है, कोयल जो आवाज़ निकालती है वो सबसे अलग है। पपीहे की टेर प्यारी यानी कि पपीहा जो आवाज़ निकालता है वो भी अलग है। बुलबुल, बुलबुल जो गीत गाती हैं, बुलबुल गा रही तराना बुलबुल यानी कि ये जो बुलबुल जो गीत गाती हैं वो भी अलग हैं। कोयल, पपीहा, बुलबुल ये सभी का आवाज़, सभी की आवाज़ अलग अलग हैं, मगर जो वो गाती हैं वो राग लय, उसका लय एक ही है, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट पंक्ति, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कावेरी कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। यानी कि हमारे देश में अलग अलग विस्तारों में से अलग अलग नदियां भी बहती हैं। उस नदियों का यहाँ पर नाम दिया गया है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां हैं, हमारे देश की नदियां हैं। इस नदियाँ अलग अलग विस्तार से बहती हैं, और अलग अलग विस्तार से बहकर कहाँ जाती हैं, तो कि सागर में मिलती हैं, और सागर में मिलकर उसका पानी एक सागर में मिल जाता है। फिर हम उस नदियों को अलग अलग पानी के रूप में सागर में मिलने के बाद उसको नहीं पहचान सकते। सभी सागर में मिल जाती हैं तब सभी को सागर ही कहा जाता है, और ये पानी को अलग नहीं किया जाता। उसी प्रकार हमारे देश में जो बसे जन हैं वो भी हमारे हिंदुस्तानी या भारतवासी या हिंद देश के निवासी ही कहा जाता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ हैं निराले सबकी मंजिल तो एक ही है। यानी कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग बसे हैं, कई धर्म हमारे देश में हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये जैन धर्म, ये सब हमारे देश के धर्म हैं। यानी कि अनेक प्रकार के अनेक धर्म हमारे देश में हैं, ख्रिस्ती धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, ये सब हमारे देश में धर्म हैं। फिर भी ये सभी धर्म के लोग हमारे देश में बसे हैं, फिर भी ये लोग हिंद देश के लोग हैं, हिंद देश के भारत के लोग हैं, तो सभी भारतीय ही कहा जाता है। सार वही हैं यानी कि सभी धर्मों का सार, सभी धर्म हमें एक ही चीज़ समझाता है, यानी कि भगवान तक हमें पहुंचने का रास्ता यानी कि मंजिल हमें समझाता है।
और सभी धर्म हमें अच्छा इंसान बनने का सिखाता है। सभी धर्म हमें भगवान की तरफ ले जाता है और सभी धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनने का, लोगों को मदद करने का, किसी का बुरा नहीं सोचने का, यही हमारे देश के धर्म हमें सिखाते हैं। पंथ है निराले, पंथ यानी कि पंथ का मतलब क्या होता है तो कि रास्ता, और दूसरा एक आगे शब्द आया है शहर, शहर यानी कि निष्कर्ष के रूप में जो हमें यहाँ इस काव्य से जो निकलता है, हमारे देश के जो धर्म से जो सार निकलता है, क्या हमें सभी धर्म हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, तो वो हुआ है, वो है सार, उसे सार कहते हैं। और पंथ यानी कि रास्ता, सभी के रास्ते, सभी धर्म के रास्ते अलग अलग हैं। जिस प्रकार उदाहरण की दृष्टि से हमें समझे तो हमें यहाँ से जबकि हमें जांबू घोड़ा से हमें बड़ौदा जाना है, तो बड़ौदा जाना है जांबू घोड़ा से। जांबू घोड़ा एक स्थल है, स्थल का नाम है। जब हम जांबू घोड़ा स्थल से बड़ौदा जाना है तो हम जांबू घोड़ा से बोड़ली, बोड़ली से डभोई होकर हम बड़ौदा यानी कि वडोदरा पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार जांबू घोड़ा से हालल होकर भी हम बड़ौदा पहुँच सकते हैं, और जांबू घोड़ा से हारल होकर पादरा से अपने ये जांबू घोड़ा से वाघोड़िया होकर भी हम बड़ौदा जा सकते हैं। तो ये बड़ौदा जाने का ये रास्ता हुआ, डबोई से, बोड़ली से डबोई जाने वाला रास्ता, हालोल से सीधा बड़ौदा जाने वाला रास्ता, और हालोल जांबू घोड़ा से हालोल होकर वाघोड़िया होकर होते हुए जाने वाला रास्ता, ये सभी मंजिल तो एक ही है बड़ौदा। सबकी सभी रास्ते की मंजिल क्या है तो कि बड़ौदा जाना है हमें, बड़ौदा ये मंजिल हुई। लेकिन ये जो अलग अलग यहाँ पर काव्य की दृष्टि से हम समझें तो सभी धर्म हमें भगवान तक पहुँचाते हैं, सभी धर्म हमें अच्छा इंसान बनने का सिखाते हैं, और उसके रास्ते चाहे भले ही अलग अलग हैं लेकिन शहर मंजिल तो सबकी एक ही हैं। ऐसा इस काव्य के माध्यम से, ऐसा इस काव्य पंक्ति का निष्कर्ष निकलता है। अब हम इस काव्य पंक्ति में जो इस काव्य के माध्यम से जो नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, यानी कि जो जो शब्द के अर्थ विद्यार्थी को कठिन लगता है, उस कठिन शब्दों को यहाँ पर दिया गया है और शब्द के अर्थ को यहाँ पर दिया गया है। कुक यानी कि कोयल की आवाज़, पपीहा एक पक्षी का नाम है, टेर यानी कि पपीहे की जो पुकार होती है, पपीहा जो आवाज़ निकालता है उसे टेर कहा जाता है, तराना यानी कि गीत, पंथ रास्ता, निराला यानी कि अनूठा, मंजिल यानी कि ध्येय लक्ष्य, ये इसका शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर अभ्यास इस काव्य के बाद, इस काव्य के समझने के बाद हम शब्दार्थ समझे, उसके बाद अभ्यास आता है। तो अभ्यास में प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है, यानी कि हमारे देश की क्या विशेषता है, तो कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग रूप वेश भाषा के लोग बसे हैं, और अलग अलग प्राकृतिक विस्तार धराने वाले राज्य भी हैं, फिर भी हमारे देश में विशेषता है। ये एक सूत्र में बंधने की जो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। नदियाँ कब एक होती हैं, दूसरा प्रश्न है, नदियाँ कब एक होती हैं, तो कि नदियाँ जब अलग अलग विस्तार से बहकर सागर में मिल जाती हैं तब नदियाँ एक हो जाती हैं। सभी धर्मों का सार क्या है, यानी कि सभी धर्मों का सार हमें भगवान तक पहुँचाना, यानी कि हमें एक अच्छा इंसान बनने का सिखाता है, वही सभी धर्मों का सार है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कविता को यहाँ पर पूर्ण करते हैं, और इस कविता में जो अभ्यास के रूप में प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद स्वाध्याय के रूप में जो प्रश्न दिए गए हैं, इसका आप गृह कार्य के रूप में लिखकर, स्वाध्याय के रूप में गृह कार्य में लिखकर हमें लेसन के रूप में हमें बताना है।
तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। अस्तु।